हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आपके सामने कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो को लेके आया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i की पावर n इज। इसका हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 की पावर n/2 cos nπ/4, सेकेंड 2 की पावर n cos nπ/2, थर्ड 2 की पावर -n/2 cos nπ, एंड फोर्थ इज 2 की पावर -n cos nπ/2। तो देखिए, करते हैं इसको हम सोल्व। हमारे पास जो गिवन है, ये हमें गिवन है 1 + i इसकी पावर n। हम क्या करते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं 1 + i को power n h dh। ये जो है, इसको अगर हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगी √2 की पावर n, और इसको अंदर ही रखते हैं हम 1/√2 + 1/√2 i इसकी पावर n, और ये हो जाएगी हमारे पास पावर n, रूट का मतलब 2, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर इसकी पावर n, और ये हमारे पास हो जाएगा cos π/4 + i, ये हो जाएगा sin π/4, और इसकी पावर हो जाएगी n। देखिए, ये हो जाएगा 2 की पावर n/2, और हम ये जानते हैं डी मोर्गन लॉ से, cos θ + i sin θ की पावर अगर n हो तो वो डायरेक्ट एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी cos nπ/4 + i sin nπ/4, एंगल पे अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो जो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट हमारे पास एफ जेड का हो जाएगा 2 की पावर n/2 × cos nπ/4, और हमारा जो इमेजिनरी आएगा ये आएगा 2 की पावर n/2 sin nπ/4, ये आएगा हमारे पास। और इन्होंने जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारा क्या आएगा, 2 की पावर n/2 cos nπ/4। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना वर्क करें, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड देखिए, सेकंड में कहता है अगर जेड का मोड इज इक्वल टू है z-1 का मोड, तो इनमें से क्या ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, कि रियल पार्ट जेड का 1 आएगा, रियल पार्ट जेड का 1/2 आएगा, इमेजिनरी पार्ट जेड का 1 आएगा, या इमेजिनरी पार्ट जेड का 1/2 आएगा। तो देखिए, करते हैं इसको हम सोल्व। देखिए, जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है जेड का जो मोड है, ये हमें गिवन है z-1 का मोड। जेड हमारे पास होता है x + i y, ये हो जाएगा हमारे पास x + i y-1, और हम ये जानते हैं जो मोड निकलता है ये फाइंड आउट किया जाता है रियल पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर द रूट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये x² + y² √, और ये हो जाएगा x-1² + y² √। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² + y², ये हो जाएगा हमारे पास x-1² + y², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - x² + 1 - 2x, इसे x² - x² - 1 = -2x, इसे कैंसिल आउट,
तो यहाँ x की वैल्यू आ चुकी 1/2, और x जो है हमारे पास है ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो रियल पार्ट है किसका, z का, इसकी वैल्यू आ चुकी क्या, 1/2। ये हमारा आंसर हो चुका। तो देखिए अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करें, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बोल दिया गया इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे क्यूब रूट है किसके, यूनिटी के, देन द रूट ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसके क्या रूट होंगे। तो देखिए करते हैं हम इसके रूट फाइंड आउट। हमें जो इक्वेशन गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 की क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। देखिए अगर हम इसके क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8। एक्स माइनस 1 जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस 1 की पावर 1/3, और इससे हमारे जो रूट होंगे एक तो ये होगा, एक हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ओमेगा, और एक हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यानी x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास एक तो आ चुकी माइनस का 2, एक आ चुकी माइनस का 2 ओमेगा, और एक आ चुकी माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्योंकि हम रिजल्ट जानते हैं अगर x की क्यूब हमारे पास माइनस 1 हो तो x की वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास x यहाँ जो आएगा 1-2 के इक्वल, 1-2 ओमेगा के इक्वल, और यहाँ से 1-2 ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी आएगी -1, 1-2 ओमेगा, 1-2 ओमेगा का स्क्वायर, ये आएगी हमारे पास। ये हमारी इसकी क्या हो चुकी, वैल्यू हो चुके, इसके रूट हो चुके। इसके लिए आपको जो याद रखना है वो ये है, अगर x की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 हो तो x की वैल्यू आती है -1 -ओमेगा स्क्वायर, और अगर x की क्यूब इज इक्वल टू 1 हो तो जो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका हम वर्क करें, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4th है वो ट्रू ऑप्शन है। 4th पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है हमें इफ जेड माइनस 1 का मोड जो है वो 2 गिवन है हमें, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू जेड जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट ईच। ऑप्शन नंबर 1st 4, ऑप्शन नंबर 2nd 2, ऑप्शन नंबर 3rd 1, एंड ऑप्शन नंबर 4th। तो देखिए करते हैं इसको हम सोल्व। देखिए इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट हमारे पास ये है, अगर हमें क्या गिवन हो यहाँ पे जेड के, हमें दे दिया जाए जेड का स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड का कंजुगेट, और या फिर इसको बोल दे जेड के मोड का स्केयर, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड का कंजुगेट।
अगर हमारे पास ये गिवन हो तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। जो हमें यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है, हमें गिवन है जेड माइनस वन का मोड इज इक्वल टू टू। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू जेड जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो गिवन है इसका स्क्वेयर करते हैं बोथ साइड। अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड माइनस मोड का स्क्वेयर और ये हमारे पास हो जाएगा फोर। और हम इसको ब्रेक करना जानते हैं, जेड माइनस वन और जेड माइनस वन का कंजुगेट, जेड माइनस वन और जो कंजुगेट है ये अलग अलग का हो जाएगा। जेड का कंजुगेट वन का कंजुगेट वन ही होता है फोर। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं जेड की जेड कंजुगेट से करेंगे तो जेड इंटू जेड का कंजुगेट, इसकी से करेंगे तो माइनस का जेड, इसकी से करेंगे माइनस जेड का कंजुगेट और प्लस का वन इज इक्वल टू फोर। यहाँ जेड जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट ये हो जाएगा हमारे पास फोर माइनस वन यानी कि थ्री। और हमसे जो इन्होंने वैल्यू पुटअप की है, जो इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी हुई है, ये हमसे पूछ नहीं लग रहा है। यहाँ जेड जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट दैट मीन्स इसी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है कितनी है फोर माइनस वन यानी कि थ्री। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, थ्री आएगी। तो देखिए करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, फोर्थ हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या कहता है, इफ जेड वन एंड जेड टू आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड इज इक्वल टू वन एंड जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू वन, देन द ट्रेंगल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन विद जेड वन जेड टू एंड माइनस वन आर वर्टाइसिज। तो आपको ये बताना है किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मस्ट बी इक्विलेटरल ट्रेंगल, सेकेंड मस्ट बी राइट ट्रेंगल, ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रेंगल बट नॉट नेसेसरी इक्विलेटरल एंगल, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ मस्ट बी ऑब्टूज एंगल। और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये CSAR नेट जून 2013 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम स्टडी। जो हमें गिवन है उनका हम यूज करते हैं कंडीशन। हमें यहाँ गिवन है जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड इज इक्वल टू वन, और दूसरी बात हमें गिवन है जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू वन, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो देखिए इस कंडीशन का यूज करके हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि जेड वन और जेड टू की वैल्यू। तो देखिए क्या किया हमने, लेट किया कि जो जेड वन है ये हमारे पास है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू हमारे पास है ये है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, ये है हमारे पास। अगर यहाँ से हम जेड वन का मॉडुलस निकालें तो जेड वन का मॉडुलस हमारे पास आएगा एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू वन, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको। और जेड टू का अगर हम मोड निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगा एक्स टू का स्केयर प्लस वाई टू का स्केयर इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास हो चुकी सेकेंड इक्वेशन। जस्ट हमने जो गिवन कंडीशन है उनका यूज किया है, और इनका यूज करते हुए हमने जेड वन का मोड वन था दैट मीन्स एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू वन है, जेड टू का जो मोड
है हमारे पास ये 1, दैट मीन्स एक्स टू का स्क्वेयर प्लस वाई टू का स्क्वेयर जो है हमारे पास ये 1 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें जो गिवन है, ये हमें गिवन है जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू 1। जेड वन की वैल्यू है हमारे पास एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू की वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, और ये हमें इक्वल है 1 के इक्वल गिवन है। ये हमारे पास अगर इक्वल है दैट मीन्स रियल, हम कंपेयर करवाते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। अगर हम यहाँ रियल पार्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इमेजिनरी यहाँ क्या है वाई वन, यहाँ क्या है वाई टू, और ये कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी 1, और वाई वन प्लस वाई टू की जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आ चुकी 0। तो देखिए हम इनको आगे पुट करेंगे, हम निकाल के रख लेते हैं कि जो हमारा एक्स वन और कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 1, वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू हो चुकी। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर माइनस करेंगे तो एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स टू का स्केयर माइनस वाई टू का स्केयर, और राइट साइड में 1 माइनस 1 0। इन दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये आएगा एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू, और ये हमारे पास आएगा वाई वन माइनस वाई टू वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला खोल दिया, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमारे पास एक्स टू प्लस एक्स वन की वैल्यू है 1, वाई वन प्लस वाई टू की वैल्यू है 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू 1 वाई वन माइनस वाई टू, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स वन हमारे पास आ जाएगा एक्स टू के इक्वल, हमारे पास यहाँ से एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू आ चुकी। क्या वैल्यू आ चुकी कि जो एक्स वन है वो किसके इक्वल है एक्स टू के। देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी, और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये थी एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 1, और दोनों ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 1, टू टाइम एक्स वन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ चुकी 1 बाई टू, और एक्स टू की वैल्यू भी आ चुकी हमारे पास 1 बाई टू। ये हमारे पास वैल्यू हो चुकी एक्स वन की और एक्स टू की, क्या हो चुकी 1 बाई टू और 1 बाई टू। हम इनको रख लेते हैं एक्स वन और एक्स टू इज इक्वल टू 1 बाई टू। नेक्स्ट देखिए अब वाई वन वाई टू निकालते हैं हम, जो हमें गिवन है ये एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है हमारे पास। एक्स वन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 1 बाई टू, इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई फोर प्लस वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास वाई वन स्केयर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 बाई फोर, y1 के स्केयर की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 बाई फोर, तो y1 की वैल्यू हमारे पास आएगी रूट 3 बाई टू या फिर माइनस रूट 3 बाई टू, ये हमारे पास वैल्यू आएगी y1 की वैल्यू। और हमें जो गिवन है, हमें गिवन है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, यानी y1 इज इक्वल टू माइनस का y2, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, अगर हम y1 को पॉजिटिव लेते हैं तो y2 नेगेटिव आएगा, y2 y1 को नेगेटिव लेते हैं तो y2 पॉजिटिव आएगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जेनेटी, हम बिना किसी नुकसान के हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो y1 है ये तो हमारे पास है रूट 3 बाई टू, और जो y2 है हमारे पास ये हमारे पास है माइनस का रूट 3 बाई टू, ये आ चुकी है हमारे पास। और z1 था जो हमारे पास, ये था हमारे पास एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, यानी कि ये हो चुका 1 बाई टू प्लस रूट 3 बाई टू आयोटा, और जेड टू जो हमारे पास था
ये हो चुका 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये हमारे पास क्या हो चुका Z1, और दूसरा हमारे पास हो चुका Z2। हमारे पास तीन पॉइंटों की वैल्यू हो चुकी है। देखिए हमारे पास Z1 जो है इसको अगर हम लिखें कोऑर्डिनेट की टर्म में तो ये हो गया 1/2 और √3/2, और Z2 जो हमारे पास है ये हो गया 1/2 और माइनस √3/2, और तीसरा पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं Z3 जो कि मुझे गिवन है -1, -1 है तो -1 और 0, ये हो गया। इनका नाम दे देता हूँ ABC, तीन कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। और हम ये जानते हैं अब ये जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास, अगर हमारे पास इन तीनों की डिस्टेंस सेम आती है तो हमारे पास ये इक्वी लेटरल एंगल होगा, और अगर एक एक डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दो डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो हमारे पास राइट ट्रायंगल होगा। तो देखिए चेक करते हैं इसको। हमने क्या निकाली, ए और बी की डिस्टेंस निकाली। ए बी की कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 यहाँ ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस का √3/2 माइनस का √3/2 इसका स्क्वायर और अंडर दी रूट, तो ये हो जाएगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हमारे पास ये हो चुका 3। ये हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे ए बी डिस्टेंस आ चुकी। अब यहाँ से हम निकालते हैं बी सी। बी सी जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी ये हमारे पास आएगी सी। सी क्या है, -1 -1/2 का स्क्वायर और इसका रूट है तो ये दोबारा से रूट हो जाएगा प्लस 0 प्लस √3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 3/ माइनस का √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 या सॉरी 9/4, और ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 अंडर द रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 12/4 अंडर द रूट, यानी कि ये भी हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगी √3। ए बी और बी सी निकाल चुके हम जो कि √3 आ चुकी। अब निकालते हम ए सी, ए और सी निकालते हैं तो यह आएगा -1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 9/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 अंडर द रूट, तो ये भी हमारे पास आएगा 12/4 अंडर द रूट यानी कि 3 का रूट। यानी कि ए से बी, बी से सी और ए से सी तीनों जो डिस्टेंस है हमारी √3 आ चुकी। दैट मीन्स यहाँ से ए बी सी तीनों की डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमारे पास ये जो जिस ट्रायंगल के ऊपर लाई करती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मस्ट बी इक्विलेटरल एंगल, दिस इज द ट्रू ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 4 की पावर 4 माइनस आयोटा इंच। कहता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगी, 256 कोस LN4, 64 कोस LN4, 16 कोस LN4, 4 कोस LN4। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये हमारा गेट 2004 के अंदर पूछा गया था।
देखिए हमें यहाँ पे गिवन है फोर फोर माइनस आयोटा, इसको हम लिख लेते हैं फोर की पावर फोर इंटू फोर की पावर माइनस आयोटा। और हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर अगर बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर ए लॉग बी, ए की पावर इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग ए। तो हम इसको अप्लाई करते हैं फोर की पावर फोर एज इट इज, इसको हमने लिख दिया ई की पावर माइनस आयोटा और हमने इसको लिख दिया लॉग फोर, फोर की पावर फोर। और हम जानते हैं ए की पावर माइनस आयोटा थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस एल एन फोर माइनस आयोटा साइन एल एन फोर, और ये हमारे पास हो जाएगा 256 कोस एल एन फोर माइनस आयोटा साइन एल एन फोर। और अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा ये हमारे पास आएगा 256 कोस एल एन फोर, ये आंसर आएगा हमारे पास 256 कोस लॉग फोर, दिस इज द आंसर। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको हम, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया आयोटा 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 अप टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या चीज ट्रू है, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू टेन पाई अल्फा बाय टू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर माइनस पाई बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बीटा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू टेन एन पाई बाय टू। तो देखिए करते हैं सोल्व, हमें ये जो गिवन है ये हमारे पास गिवन है आयोटा की पावर आयोटा आयोटा अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो देखिए ये जो पावर है सेम चलती जा रही है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये हो जाएगी हमारे पास। और इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू में लॉग आयोटा, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से दोबारा से फिर लिखेंगे तो ये इसकी पावर पे जाएगा आयोटा की पावर अल्फा प्लस बीटा बनेगा, ई की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एज इट इज। और हम ये जानते हैं लॉग आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाय टू, लॉग आयोटा की वैल्यू हमारे पास जो होती है ये क्या होती है हमारे पास आयोटा पाई बाय टू, ये हमारे पास आ चुकी दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर माइनस का बीटा पाई बाय टू इंटू में e की पावर अल्फा पाई बाय टू आयोटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस बीटा पाई बाय टू एज इट इज, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फा पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन अल्फा पाई बाय टू और इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और अगर हम यहाँ क्या करते हैं कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो देखिए ई की पावर माइनस बीटा पाई बाय टू इंटू कोस अल्फा पाई बाय टू, इसकी वैल्यू तो आ चुकी अल्फा, ई की पावर माइनस बीटा पाई बाय टू इंटू साइन अल्फा पाई बाय टू, इसकी वैल्यू आ चुकी बीटा। अगर इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा पाई बाय टू इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा।